नमस्ते, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और आज मैं आप लोगों को जो पढ़ के दिखाने वाली हूँ, तो नॉर्मली क्या है ना, बहुत से बच्चे इस तरह से निबंध लिखते हैं और फिर क्या होता है, फिर मम्मी को घर पे जाके बोलेंगे कि मैंने इतना अच्छा निबंध लिखा था, इतना अच्छा निबंध लिखा था, लेकिन टीचर ने मुझे मार्क्स ही नहीं दिए। तो आप लोग जो निबंध लिखते हैं ना, वो किस तरह से लिखते हैं, जरा आप लोग भी जरा एक नजर इसमें घुमाइएगा, ठीक है? फिर आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे ये मुझे कमेंट करके बताना ईमानदारी से, ठीक है? तो देखो भाई, अभी एक मेरा विद्यार्थी है, उसने यह निबंध लिखा है, यदि मेरे पंख होते तो, ठीक है? तो यदि मेरे पंख होते तो मैं, ये मैं लिखते हैं ऐसा, तो उसने लिखा है देखो मैं की जगह पे उसने लिखा मैं उड़ पाता, जहां नहीं जहां जाना हो वहां नहीं लिखा है वहां लिखा है चला जाता, ठीक है? देखो कैसी गलतियां करते हो तुम लोग लिखते समय, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितने होते हैं तुम लोगों के। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि सब बच्चे ऐसा करते होंगे, कुछ बच्चे हैं जो परफेक्ट लिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पता चले इसके लिए मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हैंडराइटिंग तो देखो कितनी सुंदर है, कहीं किसी की नजर ना लगे, पता नहीं मंकुड़े गए हैं क्या, मुंगी गई है क्या, क्या घूम के गया है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलो भाई अभी आगे पढ़ते हैं। हाँ, मुझे आसमान की ऊंचाइयों में बादल ढक लेते, मैं बहुत सुख होता, खुश होता, नहीं मैं बहुत सुख होता। ओके, यदि मेरे पंख होते तो, चक्कर आके गिरना मत तुम लोग, बहुत अच्छा होता। अगेन मैं नहीं लिखा है, मैं जब आसमान में उड़ता तब मुझे ठंडी हवाएं छूती, लेकिन क्या करे मेरे पास तो पंख नामक कोई चीज नहीं है। यदि आपको बिना पंख के उड़ना चाहते हो, जिसमें कोई लिंक नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, यदि आप होता ना तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन यदि आपको बिना पंख से के उड़ना चाहते, बिना पंख के उड़ना चाहते हो तो आप हवाई जहाज नहीं जहाज, ये काना जो है ना, ये बच्चा होलसेल में देता है, फ्री फंड में जो मिला है ना वो काना किधर भी लगा दो, ठीक है? तो हवाई जहाज में जा सकते हो, क्या है भैया, उड़ना चाहते हो तो आप हवाई जहाज में जा सकते हो, वैसे बिना पंख के उड़ना चाहते हो तो। ओके, हाँ, मेरे पास पंख होते मैं तो पूरी दुनिया घूमता, क्या आता है यहाँ पे, पूरी दुनिया घूमता, हंसना बाद में तुम लोग, पहले ये पढ़ो, इधर घूमता लिखा है। और है ना, मैंने देखा है बहुत से बच्चे ना, उन लोगों को ध और घ का मतलब ही नहीं समझ में आता, और घ कहाँ लिखे, कैसे लिखे, और ध कैसे लिखे, उसमें भी आप लोगों का बहुत कंफ्यूजन है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए बेसिक हिंदी एंड बेसिक मराठी का जो वीडियो अपलोड किया है वो एक बार देख लो ना तुम लोग को, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो सारे तुम लोग के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें। और जो मैंने निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, निबंध लेखन यदि मेरे पंख होते तो, वो जाओ देखो। और निबंध कैसे, तुम लोग के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं तो एक निबंध 5-5 टाइम लिख के निकालो, तुम लोग लिखने में ही सुस्ती करते हो और बहुत अपने आप को स्कॉलर समझ के फिर स्कॉलर के जैसा ऐसे ऐसे निबंध लिखते हो, ये स्कॉलर होगा निबंध है, ऐसे लिखोगे तुम लोग एग्जाम में, ऐसे नहीं चलता है। तो निबंध लेखन कैसे किया जाता है, पत्र लेखन कैसे किया जाता है, ये मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाओ और आप लोगों को सारे ऐसे निबंध, पत्र, कथा, कहानी, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? और लेसन्स भी आप लोगों के मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर, और कुछ वर्कबुक के आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फिर टेक्स्ट बुक्स में से तुम लोग
क्वेश्चन के आंसर्स कैसे ढूंढोगे वो भी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इतना सब रेडी रहने के बावजूद भी तुम लोग नहीं देखोगे और ऐसी गलतियां करोगे तो मार्क्स तो जाएंगे ही ना। फिर टीचर को ब्लेम मत करना तुम लोग। हाँ अभी देखो इसने धूमता, और ये जो फुल स्टॉप है ना इसमें भी कितनी कंजूसी की है। क्या जाता है फुल स्टॉप हिंदी का कैसे देते हैं? ये ऐसा थोड़ी फुल स्टॉप देते हैं हिंदी का फुल स्टॉप, ये ऐसे थोड़ी होता है। जैसे एहसान कर दिया इसने फुल स्टॉप देके, हिंदी का जो फुल स्टॉप होता है वो ऐसे आना चाहिए, ऐसे ऐसे घूम धूमता भी इसका जो है धूमता ऐसे, यहाँ पे ऐसे फुल स्टॉप आता है। दंडी ये करनी है तो कर दी दंडी, कैसे है क्या है कोई सिस्टम नहीं है उसको। अगर आपके पास पंख होते तो आप क्या करते की जगह पे इसने लिखा है कोया, क्या कैसे लिखते हैं? को या जोड़ते हैं ना, तभी वो क्या बनता है कि नहीं? तो को या जोड़ के हमने लिखा क्या, तो ऐसे लिखा जाता है ये। और अक्षर कैसे लिखने हैं तुम लोगों को, अच्छी हैंडराइटिंग कैसे निकालनी है, जो बेसिक मैंने तुम लोगों को सिखाया है ना हिंदी मराठी बाराखड़ी, तो उसमें मैंने तुम लोग को ये भी ट्रिक दिया हुआ है कि हैंडराइटिंग आप लोग किस तरह से अच्छी निकालोगे, ठीक है। और जिन बच्चों को घ और ध में कंफ्यूजन है तो वो भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। तो ये है घ, ऐसे लिखते हैं घ, तो घ घर है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, घ हो गया, ठीक है। अभी ध, ध कैसे लिखते हैं? यहाँ पे ऐसे छोटा सर्कल और ये ऐसे, ये हो गया ध, ध से धवल, धवल याने व्हाइट जो होता है ना सफेद, उसको धवल बोलते हैं। और भी बहुत सारे ध के ऊपर शब्द है, ओके क्या है एक दो चार शब्द आप लोग मुझे लिख कर भेजो कमेंट में, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना घ और ध में क्या फर्क है। और एंड का देखो कंक्लूजन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऐसे में, किसी भी लेटर राइटिंग में। तो अभी इसने कैसे कंक्लूजन किया, एक तो लिखा है मैंने, मैंने नहीं लिखते है, वो लिखता है ना मई, म को दो मात्रा आएंगी, तो मैंने तो बता दिया, अब आपकी बारी। भाई इसने क्या बताया है हम लोगों को, किस बात के लिए हमारी बारी है, वी डोंट नो, क्लियर नहीं है विजन जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो अगर इस तरह से तुम लोग लेटर राइटिंग करोगे तो वो बिचारी टीचर या बिचारा टीचर जो है वो आपको कैसे मार्क्स देगा। तो अभी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो कि तुम लोग अगर ऐसा ऐसे लिखते हैं तो तुम लोग अपने आप को कितने मार्क्स दोगे, ठीक है। तो देखते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, ओके। बहुत एंटरटेनमेंट हो गया है आप लोगों का, और अभी ऐसी ही मैं तुम लोगों की गलतियां बताने वाली हूँ विथ प्रूफ, ओके। ये आप ही के जैसे किसी बच्चे का लिखा हुआ है तो विथ प्रूफ मैं आपको ये बताऊंगी, ओके। तो अपने मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड करने को भूलना मत, और लाइक जरूर करना, ओके। तो भी एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोग के नजदीक, तो बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।